और 20 लाख ने साडे ते करदा 8 10 10 क्वांटल डिगे दी पक्की कट ली थी असि और मैं तुहानू साडे नाभे मंडी च काफी रौला भी पिया उत्थे होया की कि जे मार्केट दे विच तुसीं रौला पाया कि रेट घट लग रहा है जिहड़ी व्यापारी ने पक्की खरीदी वह सुकनी पाती तुहाडी ट्राली लाउण लई जगह नहीं मीडिया च भी गल आई उत्थे उन्होंने बंद करती मक्की खरीदनी की जो तुम रौला पाओगे कि रेट बढ़ाओगे असं मक्की नहीं खरीदती तुम जो मर्जी करो। सो समा ज्यादा हो रहा है बाला समा नहीं मैं लेना चाहता हूँ सानू लोड़ यह है साड़ी खेती किमें बचे साडा पानी किमें बचे साड़ी किसानी त बचूगी नहीं बरना जिन्ने मर्जी नारे मारिए कुछ नहीं बनना ना इन्हां सरकारां ने सानू देना ते तुहाडे सामने आ दूजी फसल मर रही है पहला कणक मर गई हूँ जीरी मर गई और अजे तक 6800 मुआवजा कह रहे हैं वह भी सेंटर गौरमेंट का पंजाब गौरमेंट का है नहीं पंजाब गौरमेंट कह रही है कि असी देवे देन लैन कुछ नहीं ना इन्हों को कुछ है क्योंकि इलेक्शन आ गई नवा लॉलीपॉप होर दे देंगे कल बुढ़िया कह देंगे बसा फ्री ने तुहाडा मोबाइल फ्री कर देंगे 4 दिन और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसलिए मैं कहना चाहना कि सानू लोड़ है साडी नौजवानी साडे किते ते लाउण दी जे कर आने वाले समय के विच लड़ाई लगेगी तो भुख की लगेगी और पानी की लगेगी हुण ना तो हथियारों की लड़ाई लगू ना ही कोई दूसरी क्योंकि खाण नू सानू कुछ नहीं मिलना जिहड़ी सरकार ये कहती थी कि गोदाम भरे पए ने अज ये है कि निर्यात जिहड़ा बंद करता जीरी का कि देन लैण नू कुछ नहीं इसलिए ये तो भुल जाओ कि साडा कुछ नहीं खरीदना ये तो थोड़े घरों चक के लियाओगे क्योंकि इन्हां कोल कुछ नहीं है खाण नू ये गल भुल जाओ पर लोड़ सानू इस गल की है कि असी 8 क्वांटल छड के 3 क्वांटल की कर लिए जी जहर रहत हो जाए साडे खाण लई भी ठीक हो जाए जे 8 क्वांटल के पैसे कमा के असी डाक्टरां नू देने ने तो फिर सानू ये कमाई नहीं करनी चाहिए। इन्हां गल्लां दे मैं सारे दा धन्नवाद करदा हां मेन कारण की आ केंद्र सरकार दीआं कीड़ियां नीतियां जिहड़ियां नुकसान कर रहियां किसान दा जिहड़ियां केंद्र सरकार दीआं जिहड़ियां नीतियां ने उह किसान विरोधी ने क्योंकि जिहड़ा आउण वाला समां है उह खेती ते आधारित जिहड़ियां चीज़ां पैदा हो रहियां ने उहनां तों बिना कोई गुजारा नहीं होणा। इस लई असीं इह कहिणा चाहुंदे आ कि जेकर खेती नूं ना बचाया गया जिहड़ी खेती हर मनुख दे लई 3 टाइम दा भोजन दिंदी है उस चीज़ नूं घाटे च लिजाया जा रहा है वो इस करके लिजाया जा रहा है कि आम लोगों के हत्थों चो खो के इस खेती नूं कारपोरेट अपने अधीन लिजाना चाहता है उहदा तो तुहाडे सामने है कि जे टमाटर किसान कोल है तो 2 रुपये किलो बिकता है जे कंपनी कोल है तो वह 300 रुपये बिकता है उहदे ते कोई रौला नहीं। इसलिए असीं इह कहना चाहुंदे आ जे सरकार ने जानी ये नीति ना बदली तो जिहड़ा छोटा किसान आ वह बर्बाद हो जाए। एक गल की भी केंद्र सरकार जी है लोग सभा चोणों नूं लैके कुछ किसानों झूठे वादे करूगी उसके लिए किसानों ने की करते कहना चाहते हो देखो वादे कोई कुछ करी जाए देन लैण नूं सरकार कोल कुछ नहीं हैगा ये तुहाडे सामने है कि पंजाब 300 करोड़ का पहले ही करजाई है और सरकारी मुलाजमान तनखाह देने लई पैसा नहीं है नवे मुलाजम रखने लई इन्हां कोल है नहीं। खेती वो इको एक ऐसा सब धंधा है जिहदे ते रुजगार भी दिता जा सकता है और इहदे तों इहदे आधार के उत्ते ही सनत लग सकती है जिहड़ा वध तों वध प्रॉफिट दे सकदा जे किसान दी गल करिए किसान अपने तौर पर अपने आप नूं बचाउण दे लई की करे जिवें तुसीं गल कही आ खाला दा पानी पी रहा पीना पैदा जहरीला पानी जेकर किसान ने बचना ता वो रेहां स्परेहां वाली खेती छड़ के बिना रेह स्परे तो पैदावार करेगा ता ही किसान बच सकता है नाले खर्चा लागत जे कटूगी ता ही बच सकता है क्योंकि कंपनियां दवाइयां दे नां ते इन्नी लुट हो रही है। एक जिहड़ी स्परे दी दवाई है उहदे ते रेट है 1000 रुपया परंतु वो मिलती है 350 की
सानू भी यह लगी जा रहा है कि साढ़े नाल कितने ना कितने ठगी लग रही है और रेट के आधार से और सबसिडी के आधार से क्योंकि सरकार सबसिडी दे रही है दवाइया के रूप के और किसान प्रगड़िया जा रहा है इस हालत यह होगी जी कि साढ़े को रूड़ी की खाद नहीं रही क्योंकि डंगर पशुए घट गया दुध साढ़े को नहीं है प्योर क्योंकि सारा कुछ मिलावटी है इसलिए असं ये कहना चाहते हैं कि जे खेती जैविक खेती करोगे तुम जे वह घट भी होगी तो थोड़ी सेहत तो वो वधिया होगी किसान जथेबंदियां की ऐलान कर किसानों वास्ते क्योंकि सरकार आडा ला लिया किसानों भी माड़ा जहा सुधारण की लड़ है की लगता कि किसान जथेबंदियां कुछ कर किसान जथेबंदियां यह चाहिए सरकार के उपर प्रेसर बनाओ कि जहर मुक्त खेती करने के लिए किसान सबसिडी देवे कि जेड़ा झाड़ घटूगा ज फसल घटूगी वह खर्चा देवे सरकार किसान खड़ा करे पैरलर किसान बीमारी सहूलत देवे उहदे बच्चे नूं फ्री एजुकेशन देवे और डॉक्टरी जिहड़ी सहूलत है फ्री देवे जिहड़े जिहड़े लोग खेती करनगे उहनां दे क्योंकि पैसा उहनूं इस लई चाहीदा कि उहदे बच्चिआं दी परवरिश और उहदी सेहत किवें बचे इहनां दोहां गल्लां नूं फ्री करे और उहनूं खड़ा करन दे लई जिन्हां कंपनियां नूं सबसिडी दिंदी आ उह किसान नूं 50% बजट देवे खेती दी इक नीति बनावे स्पैशल और तां ही ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਉਹ ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਲਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ MLA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਆ ਕੇ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਫਸਲ ਘਰੇ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੂਲੀ ਹੈ ਸਲਗਮ ਹੈ ਸਰ੍ਹੋਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੀਜ ਲਓ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਬੀਜ ਲਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ